नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 13 की बात करते हैं। छोटा छोटा पाठ आप लोगों के लिए कि एक पाठ को सुनिए और अपने मन में आने दीजिए, उसको अपने औरा में चलने दीजिए। क्या हमने उसकी व्याख्या की, उसको अपने मन के अंदर याद करते रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि कभी आपको ज्योतिष रटने की जरूरत नहीं होगी। आगे श्लोकों की ही व्याख्या है तो श्लोक को पढ़ा जाए। तो कहते हैं, मेसे जातस्य ही गुरुर लाभ स्थान स्थिवे भवेत। अब लाभ स्थान हम लोग जानते हैं और मेसे जातस्य अर्थात मेष लग्न के लिए ही कहा जा रहा है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं क्योंकि अभी पहले ही अध्याय की व्याख्या हो रही है। तो मेष लग्न है तो मेष लग्न में गुरु भाग्य स्थान के साथ साथ 12वें स्थान का स्वामी भी कहा गया है। और कहते हैं कि लाभ स्थान स्थिवे भवेत, यदि गुरु यहां स्थित हो जाए। अब यहां फल की व्याख्या जो है हम दो तरह से करना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्या कहा जा रहा है उसको समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है, गुरु दशायाम संप्राप्ता वब योगो भवेत। अर्थात यदि गुरु की दशा प्राप्त होती है और यदि ये गुरु अपने से यहां पहुंच जाता है, अर्थात लग्न से लाभ में हो, एकादश स्थान में हो, तो वो अच्छा योग फल नहीं देते। जबकि हमने ही बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है तो वहां पे भी लिखा गया है कि लाभ स्थान में सब ग्रह जो हैं शुभ फल देते हैं। तो एक तो अर्थयुग के हिसाब से और इस युग के हिसाब से, वर्तमान जो समय चल रहा है उसके हिसाब से समझा जाए तो यहां गुरु का फल अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि एन गेन प्रकारेन उसको लाभ चाहिए। नंबर दो, अब गुरु शुभ ग्रह है, काल पुरुष में नवम स्थान अर्थात धर्म स्थान का भी स्वामी है और धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं उसके लिए हम गुरु को देखना नहीं भूलते। साथ ही गुरु एक शुभ ग्रह है और तीसरा, छठा और ग्यारहवां स्थान अशुभ स्थान है। ये भी आता है कि अशुभ स्थानों में जाकर के कोई शुभ ग्रह अपने कारकत्वों की हानि कर जाता है, वो शुभ फल नहीं देता। तो इस नियम से कि अशुभ स्थानों में कोई भी शुभ ग्रह जाता है तो शुभ फल नहीं करता, तो यहां पे ये निश्चित रूप से होगा कि ये शुभ फल नहीं करेंगे। अब ये यदि धर्म है तो ये जब हम धर्म अध्यात्म की बात करेंगे तो ये हमारा कर्म उसी तरह से निश्चित होगा, और जब हमारा ये कर्म निश्चित होगा तो फिर उसी तरह से यहां हमको लाभ मिलेगा। ये अध्यात्म के माध्यम से समझिएगा। और जब लाभ के स्थान पे क्या देखते हैं कि गुरु स्थित है और किसकी राशि का है, तो शनि की राशि का स्थित है, और शनि की राशि को अच्छा नहीं कहते, हमेशा कहते हैं अशुभ ग्रह की राशि में स्थित है। एक तो अशुभ ग्रह की राशि में स्थित है, दूसरा अशुभ स्थान में भी स्थित है। अब तीसरे की बात कर लें, जो हमने पीछे के श्लोकों में ने कहा था कि जगन्नाथ भसी जी ने गुरु मंगल की युति को यहाँ पे अपने स्थान से गणना के अनुसार एक को कह दिया, दूसरे के विषय में वो गणना नहीं की, इसीलिए हमने उसको नहीं माना। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कहते कि हम उनके सिद्धांत को ही नहीं मानते। लग्न के साथ साथ जिन स्थानों का स्वामित्व रखते हैं उसके प्रभाव को भी समझना चाहिए। तो ये लग्न, ये किसी भी स्थान के साथ साथ और जिन स्थानों का स्वामित्व रखते हैं
उसके प्रभाव को भी देखना चाहिए और उस स्थान से उसकी गति क्या है, उस स्थान से वो कहाँ स्थित है, इसको भी देखना चाहिए। अब यहाँ श्लोक में किसी के साथ युद्ध, किसी से दृष्ट ऐसा चर्चा नहीं किया है, अर्थात यदि स्वतंत्र रूप से गुरु एकादश में स्थित हो जाए तो एकादश स्थान के कारक भी गुरु हैं, ये भी आपको मालूम है। तो यदि स्वतंत्र रूप से स्थित हो जाए तो कारक भाव नाशाय अर्थात लाभ की भी हानि कर जाएंगे। क्या हम इस सिद्धांत को मान लेते हैं या ये इस भाव से एक दो तीन, तीन में गया, तीन अशुभ मानते हैं, इस भाव से जो द्वादश स्थान में भी राशि है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो बारहवें में गया, तो क्या इससे बारहवां और इससे तीसरा, तीसरा बारहवां छठा आठवां, ये सब अच्छा नहीं संख्या यदि ज्योतिष बोले तो उसका फल अच्छा नहीं समझना चाहिए। तो क्या हम ये कह दें कि सम प्राप्ता भव योगो भवेत, नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये हमारे जो जिन्होंने इस श्लोक को लिखा रामानुजाचार्य कृत ये भावार्थ रत्नाकर, हम आपके सामने व्याख्या के लिए लेकर के आए हैं, कहते हैं ये हजारवीं सदी के आसपास हुए थे और हजारवीं सदी और ये दो हजारवीं सदी पार कर चुके, कितना अंतर है दोनों के समय में। तो ये उस समय के हिसाब से गुरु से हमारा हमेशा धर्म धार्मिक विचार आदि की बात होती थी, तो वहाँ के लिए तो ये अच्छा था कि योगप्रद फल नहीं देगा। अगर इस स्थिति में आप चाहेंगे कि हम कोई मंदिर बनवा लेंगे, नहीं बनवा पाएंगे, आप चाहेंगे कि हम बहुत अधिक धार्मिक यात्रा करेंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप कहेंगे कि भाग्य की बढ़ोतरी होगी, होगी, लाभ बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, अगर इसकी दशा आ गई, ये पंचम स्थान को दृष्टि दे रहा है, संतान की बात होगी तो होगी। तो हमने कहा देश काल और परिस्थिति में कुछ श्लोकों के अर्थ को ये किस काल में लिखा गया और वर्तमान समय में क्या काल है, यहां हमारे स्वाभिमान की बात नहीं होगी, यहाँ हम कितने आध्यात्मिक हैं, कितना अच्छा और बुरा लोगों के प्रति सोचते हैं, इसकी बात नहीं होती, सिर्फ इसकी बात होती है कि कैसे धन बढ़ जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, चाहे धन किसी से लूट के ही क्यों न प्राप्त किया गया हो। तो ऐसे परिवेश में हमको इसकी व्याख्या को अलग तरीके से भी करना चाहिए। तो वही हमने प्रयास किया है कि हम इसको 100% नहीं मानते, उस संदर्भ में मानते हैं जब धर्म कर्म की बात आती है। जब धर्म की बात आती है तो यहाँ आपके आचरण बहुत धर्मानुकूल होंगे ऐसा नहीं कहा जाता, और यदि अशुभ ग्रह के साथ ये स्थित हो जाए तो निश्चित रूप से धार्मिक प्रवृत्ति आपकी नहीं होगी। गुरु धर्म को देने वाला है, एकादश स्थान में जाकर के उसकी वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन शुभ ग्रह है और तीसरा छठा और ग्यारहवां अशुभ स्थान है, इसलिए वहां जाकर के ये अपनी हानि करवाएंगे, इसलिए कहेंगे कि धर्म से संबंधित जो भी बात होगी उसकी हानि होगी, अन्य बातों के लिए हम इसका एकादश स्थान में जाना ठीक ही कहेंगे, फल अच्छा ही करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग व्याख्या को बहुत ही सरलतापूर्वक समझ पा रहे होंगे। पुनः दोहराएंगे कि यदि आप लोग हमसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।